हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम सारी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी काउंसलिंग है उसमें क्या क्या अपडेट चल रही है, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग हो जाए या फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो जाए, तो उसमें क्या क्या चल रहा है, किन के लास्ट डेट आए हैं, किन के अभी क्या चीज चल रहा है, इन सभी सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, लेट नहीं करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जामिया का काउंसलिंग। जामिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जामिया में कल रात मैंने 12 बजे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक अर्जेंट नोटिस जामिया की तरफ से रिलीज किया गया फॉर बीआर 2023, जो कि ये है कि जो बीआर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा था जामिया में, उनके कुछ स्टूडेंट्स के ना अप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ इशू आई है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज जा करके अपना चेक करें और उसको इस पैटर्न में डाल करके करें, ठीक है। उसको जल्दी जामिया क्या आप ये जा करके कंप्लीट कीजिए अगर आपका नाम इसमें अवेलेबल है तो, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान काउंसलिंग की। तो जो राजस्थान काउंसलिंग है उसमें जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जो फीस है उसकी लास्ट डेट जो होने वाली है बीआर की, वो 2 तारीख को आपको होने वाली है। तो आज आपका लास्ट डेट है। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान काउंसलिंग में सोच रहे थे कि अप्लाई कर ले, तो वो जाकर के ये प्रोसीजर कंप्लीट करे, तभी जाकर के आपका हो पाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप जाकर के अपना पेमेंट करा लीजिए, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र काउंसलिंग की बात करूँ तो हम महाराष्ट्र काउंसलिंग में अभी बीआर का स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे बीआर का स्टार्ट होगा, यहाँ पे बी आर्किटेक्चर के बगल में आपको न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया बीआर का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो हमारा जो बीआर का काउंसलिंग है विद इन 3 to 4 days के अंदर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुजरात काउंसलिंग में, तो गुजरात काउंसलिंग में आपका 3 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आपको चॉइस फिलिंग करना है फॉर मॉक राउंड होगा, फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि आपका 3 तारीख को आपके गुजरात में भी अपडेट है। तो जो भी बच्चे गुजरात की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। हरियाणा की काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई बच्चा जेईई मेन और नाटा दोनों से लेना चाहता है एडमिशन, तो वो जाकर के हरियाणा काउंसलिंग की फॉर्म भर सकता है। हरियाणा काउंसलिंग की फॉर्म्स अवेलेबल हो चुकी है, उनकी वेबसाइट पे लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हरियाणा स्टेट काउंसलिंग का। और मैं कहूंगा जिनके जेईई मेन के अच्छे स्कोर हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहते हैं, वो प्लीज हरियाणा काउंसलिंग में अपना अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कॉमेड के की बात करूँ, तो कॉमेड के का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसका जो लास्ट डेट है वो खत्म हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे खत्म हो चुके हैं, लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट डेट हमारा 31 जुलाई 2023 को था। बहुत सारे बच्चों को जिनकी क्वायरीज वगैरह रेज हुई है, उनको फोन कॉल वगैरह गया है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन्हीं का रह गया होगा या फिर उनको कॉल नहीं आया होगा, तो वो ईमेल वगैरह कर सकते हैं कॉमेंट के को, रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं JNFU की बात करूं, जैसे जवाहरलाल JNFU जो हमारा है बेसिकली तेलंगाना काउंसलिंग से बिलोंग करता है, तो तेलंगाना काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है। जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट होने वाला होगा, तो इसको रेगुलर आपको वेबसाइट चेक करता है, रजिस्ट्रेशन पे फेस फॉर अपलेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर प्रोविजनल प्रोवाइड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपके पास सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है। सारा प्रोसेस यहाँ पे स्टेप्स वाइज लिखा हुआ है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। यूपी की काउंसलिंग हमारी ऑन द वे है। जो भी बच्चे यूपी में बीआर का कोर्स, जैसे फॉर द एग्जांपल हमारा वन ऑफ द जो कॉलेज है इम्पोर्टेंट, वो क्या हमारा AKTU, तो अगर कोई बच्चा AKTU वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो भी आकर के यूपी की काउंसलिंग में पार्ट ले, तभी जाकर के उनको AKTU के मेन कैंपस जो हमारा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें आपको मिल पाएगा, ठीक है।
अगर मैं नेक्स्ट बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का हमारा थर्ड राउंड का बीआर जो हमारे थर्ड राउंड के रिजल्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। अब जल्दी ही इसके स्पोर्ट्स राउंड शुरू होने वाले हैं आपके चंडीगढ़ के, और इसमें मतलब फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ WFG का भी स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु का काउंसलिंग स्टार्ट है। जामिया का मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जामिया का जाकर के आप चेक करें, अगर आपका नाम इस लिस्ट में अवेलेबल है तो प्लीज जाकर के इसका प्रोसीजर आप कंप्लीट करें, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अन्ना यूनिवर्सिटी का हमारा काउंसलिंग स्टॉप हो चुका है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, इसके पोर्टल पे रेगुलर आकर के अपडेटेड रहना है कहाँ क्या चल रहा है। मैं भी आपको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा कि आपके इन काउंसलिंग्स में क्या चल रहा है। अगर मैं IPO की बात करूँ तो IPO का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, अब आपके मेरिट लिस्ट अवेलेबल होंगे। तो डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट रिस्पेक्ट टू BR कोड 100 प्रोग्राम लाइकली डिस्प्लेड बिफोर 11th ऑफ अगस्त 2023। तो 11th से पहले हमारे जो मेरिट लिस्ट है वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो मेरिट लिस्ट के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे और उसके बाद ही आपको सीट्स वगैरह अलॉट होंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर मैं सेप्ट की बात करूँ तो सेप्ट में इंटेक बढ़ा दिया गया है टू 120 सीट्स को, कुछ बच्चों को और अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन स्टूडेंट इंटेक फॉर BR प्रोग्राम टू 120 सीट्स। ठीक है, 120 सीटें बढ़ा दी गई है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं CSEB राउंड की बात करूँ तो CSEB का हमारा 3 तारीख को नंबर ऑफ सीट्स जो बचे हुए हैं जोसा काउंसलिंग में वो आ जाएगा, और 7 से आई थिंक, मैंने अभी डाटा देखा नहीं है लेकिन जितना मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, 7 तारीख को शायद रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप चेक करते रहना, इसी बीच में आपके CSEB के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये रहे सारे काउंसलिंग्स के। और दूसरी बात ये है कि हमारा पर्सनल काउंसलिंग भी स्टार्ट है, अगर कोई बच्चा पर्सनल गाइडेंस में काउंसलिंग कराना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मिल जाएगा हमारे कोर्स का, वो उसे बाय करके हमसे डायरेक्ट भी काउंसलिंग करवा, मतलब कोई भी अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए होगा, एडवाइस चाहिए होगा, तो वो उसके लिए पे करके हमसे कर सकता है। क्योंकि अगर मैं इसके लिए पेमेंट ना रखूं तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन, मैंने फ्री भी करके देखा, मेरे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत लंबी आ जाती है, लगभग 100-150 रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं, और जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो 10 से 20 ही बच्चे उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। तो जब आप मेरे को पैसे दोगे तो आपको अपने पैसे की अहमियत रहेगी और आप टाइम पे आओगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आप अपने हक से लोगे। ठीक है, तो जो भी करवाना चाहते हैं पेड काउंसलिंग वो करवा सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन के साथ रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगी मेरे चैनल पे आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थोड़ा सा CSEB के बारे में जानेंगे कल। ठीक है, मतलब 3 तारीख को मैं CSEB के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से बच्चे CSEB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CSEB का क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका एक छोटा सा काम है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा, आगे जो भी अपडेट होगी नाटा जेई की रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। और जल्दी ही हम 2024 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे चीपेस्ट कोर्स अवेलेबल करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एम यही है कि डिजाइन फील्ड में भी एक ऐसा कोचिंग रहना चाहिए जिसमें कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, और ये किसी स्पॉन्सर्स की तरफ से नहीं है। ठीक है, ये हमारे टीचर्स का ही कहना है कि एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो। तो 2024 के लिए, फोर के लिए हमारा कोर्स जल्दी ही अवेलेबल होने वाला है, और 2023 का रिजल्ट हम जल्दी ही आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे, जो हमारा इस बार का 2023 का डिस्प्ले रहा है, जो रिजल्ट के डिस्प्ले रहे।